आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सूरजमुखी। इस फूल से हम सभी परिचित हैं और इसके बारे में अधिकतर बहुत सी जानकारियाँ हैं, कई भ्रांतियाँ भी हैं। आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और दूसरी नई नई चीज़ें लाने की आपके लिए प्रेरणा भी मिलती है। जी हाँ, तो हमारा साहस बढ़ाने के लिए एक लाइक अवश्य करें। क्योंकि जो है दांत के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और कान के दर्द में भी सूरजमुखी फ़ायदेमंद है। कान के दर्द में इसके तेल में लहसुन पकाकर इसे एक एक बूंद के द्वारा कान में डाला जाता है और गड़गंड या घेंगा, जी हाँ, ये जो घेंगा रोग होता है गले का, उसके लिए भी सूरजमुखी बहुत फ़ायदेमंद है। का फूल जो है सबसे खूबसूरत और चुनिंदा फूलों में गिना जाता है। इसके जितने देखने में आकर्षक लगता है उतने ही ज़्यादा गुणकारी इसमें राज छुपे हुए हैं। सूरजमुखी के बीज, दरअसल अभी तक कई तरह के अध्ययन इस पर अभी हो रहे हैं। इसके औषधीय गुणों पर भी बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, पर इसके बीजों का सेवन करने के बहुत ज़्यादा फायदे। सूरजमुखी के जो बीज देख रहे हैं आप, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें एल्प्रामेंट्री के साथ साथ घाव भरने के गुण भी पाए जाते हैं। सूरजमुखी के बीज में फ्लेवोनाइड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो विटामिन मौजूद होते हैं इसमें, जो हृदय संबंधी रोगों के बचाव के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद। समस्या है वही इसका सेवन करें, हृदय रोग नहीं है तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेवन से हृदय और स्वास्थ्य आपका बरकरार रहता है। याद रखें कि दिल स्वस्थ तो आप स्वस्थ। आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या भविष्य में कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचना चाहते हैं, बीजों को जो है खाने में उपयोग कर सकते हैं। इसमें ओलेइक और लिनोलिक नाम के फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो प्रचुर मात्रा में जो LDL होता है आपका, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, कम करने में, हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में ये मददगार साबित होते हैं, जिससे कई तरह के हृदय संबंधी समस्याओं से। हेलो, कहाँ हो? गंजू हो गया? ऐसी आवाज क्यों आ रही? आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या भविष्य में कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचना चाहते हैं, तो आप सूरजमुखी के बीजों का खाने में उपयोग कर सकते हैं। ओलेइक और लिनोनिक नामक फैटी एसिड पाए जाते हैं इसमें, जो प्रचुर मात्रा में जो है आपके LDL को, कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ये दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, बीजों का उपयोग एक जो है विकल्प के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कैंसर, कहते हैं कि कैंसर से सूर्यमुखी के बीज जो है लिग्नेन युक्त खाद्य पदार्थ हार्मोन्स के बदलाव से जुड़े कैंसर के बचाव करता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को इसके लाभ देखे जा सकते हैं। दरअसल सूरजमुखी के बीज का सेवन महिलाओं के लिए मेनोपोज के बाद या ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए मदद कर सकता है। सूरजमुखी के बीज में लिग्नेन मौजूद होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लिग्नेन एक प्रकार का पॉलीफेनॉल होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। हड्डियों के लिए बढ़ती उम्र के प्रभावों से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पोषक तत्वों से भरे हैं इसके बीज, आप जो देख रहे हैं। इसमें खासकर आयरन, कैल्शियम, जिंक जो है, सूरजमुखी के बीज जो है आयरन, जिंक, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं के लिए। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी पोषक तत्व तो जरूरी होते हैं। बढ़ती उम्र में अगर असर दिखाई देने पर लगता है, याददाश्त कम हो जाती है, भूलने की बीमारी कम हो जाती, शक्ति कमजोर हो जाती है, ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे सूरजमुखी के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बीज में कैल्शियम, जिंक जैसे पोषक तत्व तो होते हैं, जो मस्तिष्क के विकास में काफ़ी हद तक फायदेमंद होते हैं। के लिए अक्सर दुविधा उत्पन्न रहती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, यहाँ पर सूरजमुखी की बीजों की अहम भूमिका है। मधुमेह के मरीज सूरजमुखी के बीज को स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं या सूरजमुखी के बीज का उपयोग कर सकते हैं। पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ आपके शरीर के स्वस्थ रखने में मददगार साबित होती है। अगर आप सूरजमुखी के तेल का उपयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि आप एक दिन में 3 चम्मच से ज़्यादा उपयोग ना करें। प्रकार के
इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के कारण भी शरीर में कई बीमारियां होने लगती हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर, हड्डियों की और त्वचा संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं इसमें। सूरजमुखी के बीज काफ़ी हद तक आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण आपको ये काफ़ी हद तक मदद करते हैं। और एस्ट्रोजन अगर असंतुलित हो जाता है, नियंत्रित करना होता है, तो उसके लिए भी ये आपके हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए भी, आपके असंतुलन को समस्याओं को ठीक करने के लिए भी, थायराइड के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी, वही सूरजमुखी जी हाँ फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो एस्ट्रोजन को संतुलित करने में काम करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है और माना है कि ये यहाँ तक कि मेनोपॉज के बाद कैंसर के खतरे को कम करने में काफ़ी हद तक सहायक रहता है इसके सूरजमुखी के बीज। ऐसी अधिकतर जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करती रहिएगी, क्योंकि ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी हमारे जो है सूरजमुखी को देखा गया है। सही तरीके से अगर आपको शरीर को से काम लेना है, जैसे मेवे खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसी तरह इसको खाइएगा आप, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़े से बीज रोज सेवन करें, ये एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो दर्द निवारक भी है, शरीर की सूजन को भी कम करता है, जोड़ों संबंधी समस्याओं को, पैर कोहनी जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे में सूरजमुखी के ऑयल का सेवन राहत दिला सकता है आपको। अगर आप डॉक्टरी परामर्श लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कब्ज की शिकायत रहती है तो फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ में शामिल कर सकते हैं आप इसके सूरजमुखी के बीजों को। जी हाँ, आज मेरा ज़्यादातर फोकस जो है सूरजमुखी के बीजों पर ही है। इसके आप छिलके हटाकर अंदर से जो बीज निकलते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके जो है छिलके हटा दीजिए, छिलके हटाना ज़रूरी है क्योंकि छिलके नुकसानदायक होते हैं, इसके अंदर का जो गूदा होता है वही फायदेमंद है। कि पानी कम पीने की वजह से हमारी त्वचा स्किन जो है हाइड्रेटेड हो जाती है, चमक खोने लगती है, उसमें सूरजमुखी के बीज का तेल काफ़ी हद तक लाभकारी होता है। इसमें लिनोनिक एसिड होता है तो त्वचा को डिहाइड्रेट होने से बचाता है और आपकी चमक को बरकरार रख। भी अपने खूबसूरत और लंबे बालों की चाहत है तो धूल मिट्टी और प्रदूषण से खराब होने लगते हैं बाल, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, झड़ने लगते हैं, इसमें सूरजमुखी की बहुत अहम भूमिका है। सूरजमुखी के बीज के सेवन करने से आप काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान